नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर। केपीसीएल के ब्रांच कोल माइंस में काम करने वाले श्रमिकों के 6 महीने से लंबित वेतन को दिलाने के लिए इन श्रमिकों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को आवेदन दिया। 31 अगस्त को भद्रावती के आशीर्वाद मंगल कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया और धन्यवाद दिया गया। हंसराज अहीर ने नागपुर आयुक्त कार्यालय में केपीसीएल के बराज मोकासा में कार्यरत पिछड़े वर्ग के श्रमिकों को लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया। केपीसीएल की थीसिस 24 जुलाई 2023 को आयोजित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई के दौरान निर्देशकों को दी गई। इस पर संज्ञान लेते हुए केपीसीएल प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 21 श्रमिकों का बकाया भुगतान कर दिया। इन सभी श्रमिकों ने हंसराज अहीर का आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया और उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। भद्रावती के आशीर्वाद मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता रमेश राजुरकर, अशोक हजारे, विजय वानखेड़े, प्रशांत जाखरे, संजय वासेकर, नरेंद्र जगतोड़े, रामा मत्ते, श्याम बाबू महाजन, अविनाश सिंधम शेट्टीवार, प्रदीप मांडवकर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए हंसराज अहीर ने दर्शकों को आश्वासन दिया कि वो पिछड़े वर्ग के श्रमिकों, परियोजना पीड़ितों और अन्य नागरिकों के न्याय अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। यह आखिरी लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने परियोजना पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। इन परियोजना प्रभावित श्रमिकों में बराज, टांडा, मनोरा, पीर बोड़ी, कोंडा, केसुरली और अन्य गाँवों से बड़ी संख्या में परियोजना प्रभावित श्रमिक उपस्थित थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर एक देश एक चुनाव का खुले तौर पर समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा की मांग भी की है, लेकिन अब जब इसको लेकर फिर हलचल तेज हुई है, तब पीएम मोदी का एक पुराना भाषण ट्रेंड हो रहा है। क्या भारत में एक देश एक चुनाव संभव है? मोदी सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं और बार बार इस ओर रुख करने की बात करते आए हैं। अगले साल जब लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आखिर क्यों सरकार इस ओर बढ़ रही है? देश के लिए क्यों ये जरूरी है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साल 2019 में जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बात की थी और उन्होंने खुले दिल से विपक्ष से इस पर चर्चा की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि 1952 से लेकर आज तक चुनाव में रिफॉर्म होते रहे हैं और होते रहने चाहिए, इसको लेकर चर्चा भी जरूरी है। लेकिन एक देश एक चुनाव को सीधा नकार देना गलत है। हर नेता इस बात की चर्चा करता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ताकि 5 साल में एक बार चुनाव हो और काम चलता रहे। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए।
और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो, मैं मानता हूं जी ये जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए, एक बार पांच साल में एक बार चुनाव आए, महीना दो महीना चुनाव का उत्सव चले फिर सब काम में लगे, ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता, और मैं बता दो पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, क्योंकि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का है, वो कमरा है तुम्हारा, हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती। और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है, और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं, कहते मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है, उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है, उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के, जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी, ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं, देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया, उड़ीसा का चुनाव हुआ प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें, और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे, ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए, लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है। कांचास फास्ट फूड, मोस्ट फेमस एंड बेस्ट चाइनीज फास्ट फूड सेंटर ऑफ चंद्रपुर, बेस्ट स्टेज, आउटडोर एंड इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट, बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। वी ऑफर वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, वेज चिली, चिली चना, चिली पनीर, वेज नूडल्स, हाका नूडल्स, शेजवान नूडल्स, कॉकटेल राइस, पनीर राइस, शेजवान राइस, फ्राइड राइस, अवेलेबल फॉर होम डिलीवरी, मैरिजेस एंड ऑल अदर पार्टीज। कांचास फास्ट फूड, अपोजिट गवर्नमेंट ITI, नियर वरोरा नाका, सिविल लाइन्स, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 7722008812। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बेसा पीपला ग्रामीण के पिंटू भाई विसेन, उमेश कलंबे, भोजराज भाई गोयर, संदीप मोरस कोले, आकाश नागपुरे, पंकज रीठे, बादल शिंगड़े, अतुल भाई जाधव, विक्की तेजस जाधव और सभी महिला महाराष्ट्र सैनिकों ने मोक्ष धाम घाट के डंपिंग यार्ड में बदलने के कारण स्थानीय शहरवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
और कूड़ा कचरा जमा करने के लिए 20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। गड्ढा दलदली हो गया जिसमें उनके जानवर गिर रहे हैं। एक गाय और एक बैल आज गड्ढे में गिर गई। दोनों बेजुबान जानवर को जेसीबी द्वारा निकाला गया। मनसे द्वारा इस संबंध में दूसरा निवेदन दिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ग्रामीण ने चेतावनी दी है कि अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो मनसे शैली में आंदोलन होगा। सगळा कचरा 30,000 टन आम्ही काढून टाकणार आणि तसंच तिकडची पूर्ण ती प्रोसेस करून नुकसान भाग पूर्ण क्लिअर होऊन जाईल। पूर्ण क्लिअर करून 50,00,000 रुपयाचा विकास काम आपण त्याच्यात करू। आणि सर हा दुसरा मुद्दा होता अमृत